राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शनिवार को दीक्षा भवन में राष्ट्रीय युवा दिवस तथा समर्थे गोरखपुर का आकलन और भविष्य के गोरखपुर की आशा और आकांक्षा पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने अतिथियों का अभिवादन किया। परिचर्चा में अतिथि के रूप में उमेश शुक्ल, हर्षवर्धन शाही, पीयूष बंका, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर बी एन सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर गणेश कुमार, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, डॉक्टर राजकिशोर सिंह, पवन बथवाल सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 10,000 एकड़ का विकास हुआ था, समिट हुई थी लखनऊ में, उसका ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट और होगा। सिर्फ जमीन की लखनऊ की सीलिंग फ्लाइट है, सूरत की सीलिंग फ्लाइट है, बंगलोर की सीलिंग फ्लाइट है, ये सारे इन्वेस्टमेंट। हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे युवा वर्ग है उनको यहीं पर एक अच्छी ट्रेनिंग उपलब्धि होनी चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर गोरखपुर में जो मदन मोहन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका मदन मोहन में शुरू हो तो हम समझते हैं हमारे होगी। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रभु की योगी आदित्यनाथ जी हम लोग अपने शहर के विकास के लिए इतने उत्सुक है, उसमें लगाए हैं। हमारे मन में शहर को उनका सुनिश्चित करने के लिए क्या हमारी धारणाएँ हैं, उसके सारे अभी हमारे साथी ने द्वारा CSR के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के अंदर में पहुँचा था। हमारा चंबल शिक्षा से यह चीन रहा है कि आम लोगों का विकास हो, तो इसलिए चीन रहा है। यद्यपि इतनी बड़ी आबादी यहाँ गोरखपुर इसके आस पास की है, उसके अनुरूप यहाँ अभी उद्योग हमने नहीं रख पाए हैं, जिसके लिए लोग चीन है। और हमारे मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि अभी जो नया एक्सप्रेस हाईवे बनेगा उसके साथ से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक बड़े भाग का लोग देखेंगे तब इसके ऊपर जो है वो प्रयास करेंगे।
आपकी वजह से या और भी समस्याओं